नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जीवन ज्योति हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने प्रसव के 6 दिन बाद मासूम बच्चों की जान लेने की खबर आ रही है। वही आपको बताते चले कि बिहार प्रदेश के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव बाजार स्थित जीवन ज्योति हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से 6 दिन की मासूम बच्चों की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जाता है कि मेहसी पंचायत वार्ड नंबर 5 के पप्पू राम की पत्नी रागनी देवी को प्रसव के लिए 13 अगस्त को भर्ती कराया गया था, जो कि वहां के डॉक्टरों ने 13 तारीख के रात में ही पेट खोलकर प्रवेश करा दिया। मासूम बच्चों को डॉक्टर से संभालने नहीं जाने के कारण संपर्की दलसिंह राय के डॉक्टर के यहाँ भेज दिया, जहाँ पर बच्चे का सही इलाज नहीं होने के कारण 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस पे परिजनों ने आरोप लगाया कि सिर्फ डॉक्टरों द्वारा पैसा का डिमांड किया जा रहा था तथा इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है। वही डॉक्टरों के बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर अर्जुन कुमार कुछ वर्ष पहले कंपाउंडर का काम किया करता था, अब वह खुद की निजी क्लिनिक चला रही हैं। ऐसे में जांच की विषय है और प्रशासन इस पर जांच करे, यही मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, समस्तीपुर। इन्हीं के कहने पर गए थे दरभंगा, यही कहा कि 2000 करोड़ लेना, हम कहा देंगे, हुआ सर अब चले 5000 का ले लिया, 5000 का ले 20000 8 करोड़ लिया, देखिए रुपा देखिए, ये सब बिल है। ये सब बिल निकाल के दिखा रहे हैं। आपका घर? मेरा घर निवारा बाईसपुर हुआ। कौन पंचायत? निवारा पंचायत। आपका बिल देखिए, बिल देखिए, इसमें बिल देखिए, इसमें बिल देखिए, एक्सपायर कर गए, सही से इलाज नहीं होता है। नहीं, बिल देखिए, बिल देखिए, प्रॉब्लम क्या रहेगा? बोलते हैं डॉक्टर सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, नहीं कोई नहीं सुनता है, सही सुविधा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नया नया